गुना जिले के कस्बा बीनागंज बाजार में उस समय अफरा तफरी का माहौल पड़ गया जब फूड सेफ्टी ऑफिसर रवि शिवहरे और तहसीलदार शुभम जैन ने बाजार में पहुंचकर बिना मास्क वालों पर चालानी कार्यवाही की। फूड इंस्पेक्टर रवि शिवहरे ने दुर्गा मंदिर के सामने बने गुरु कृपा नमकीन व स्वीट्स की दुकान से मिलावटी मावा और मिठाई के नमूने लिए। इस खबर के बाजार में फैलते ही किराना और हलवाइयों की दुकान बंद होती चली गई और बाजार में भगदड़ का माहौल बन गया। आपको बता दें कि कोरोना के चलते कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए ने जिले भर में आदेश जारी किया है कि बिना मास्क के कोई भी दुकानदार अगर माल बेचता पकड़ा गया तो चालानी कार्रवाई होगी, मास्क नहीं तो सेवा नहीं। सभी दुकानदारों को अपने प्रतिष्ठान पर लिखना होगा। उधर दीपावली से ही जिला प्रशासन को बीनागंज में मिलावटी खाद्य सामग्री बिकने की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद फूड इंस्पेक्टर ने बताया कि मिलावट खोरों को बख्शा नहीं जाएगा, सैंपलिंग की कार्यवाही निरंतर चलाई जाएगी। सर आज बीनागंज में ये जो दौरा चल रहा है, किस किस बात का दौरा चल रहा है? आज बीनागंज में दो प्रमुख कार्रवाइयाँ की गई हैं। प्रथम बीनागंज में श्री गुरु कृपा होटल पर सैंपलिंग की कार्रवाई की गई है। द्वितीय रूप में नगर भ्रमण कर लोगों को जागरूकता करते हुए और जुर्माना कार्रवाई भी की गई है यदि वो मास्क लगाकर कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। तो सभी से निवेदन है कोरोना गाइडलाइन का पालन करें और मास्क अवश्य लगाएँ। अच्छा, और होटलों का? होटलों की कार्रवाई निरंतर जारी है। अगर वो मानक स्तर की सामग्री का वितरण नहीं करते हैं तो उनके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। आज सैंपलिंग की जा रही है, उसके ऊपर बाद एडीएम महोदय की कोर्ट में प्रकरण जाएगा। आपका शुभ नाम? रवि शिवरे। अच्छा, ये आज बीनागंज में आपने चेकिंग के द्वारा ये आज कौन कौन सी सैंपलिंग की है? ये आज हमने यहाँ श्री गुरु कृपा मिष्ठान भंडार जो ए वी रोड पे है, इससे चार सैंपल लिए हैं जो संदिग्ध लग रहे थे। इसमें एक इमरती का सैंपल है, एक बूंदी का सैंपल है और जो कढ़ाई में जो तेल जो यूज कर रहे थे उस तेल का भी सैंपल है और साथ में एक मावा जो रखा हुआ था उसका सैंपल है। साथ ही इनके यहाँ कुछ गंदगी भी मिली है तो उसको भी हम इनको नोटिस दे रहे हैं। अच्छा, तो ये दुकान पहली दुकान है या कितनी दुकान है? होटले बीनागंज के अंदर मतलब होटले तो सब बंद हो चुकी है आज? नहीं, वो क्या होता है जब हम आते हैं तो कई बार वो एक जगह कार्रवाई दो जगह कार्रवाई हो पाती है, उसके बाद बंद हो जाते हैं। नेक्स्ट टाइम उनको देखेंगे। अच्छा, पहले भी कार्रवाई हुई है और? अच्छा, कि इनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है पहले? इन्फॉर्मेशन पहले से थोड़ी बंद होती है, जब हम आते हैं पहली दुकान में बैठते हैं तो पता तो पड़ ही जाता है। अच्छा, इतना बड़ा मार्केट तो है नहीं, इसलिए सब बंद कर करके भाग जाते हैं।